हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो हम रीडिंग कर रहे हैं, ये रहेगी कि लॉर्ड शिवा हमारे भोलेनाथ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या देंगे, उनके क्या प्लान्स हैं आपके लिए और आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। ठीक है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसको आप कभी भी देख सकते हो। एंड चलिए, अगर आपको ये वीडियो मिला है तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस जरूर होंगे जो आपके लिए होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड है वो है मिस्ट्री, किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स एंड चॉइसेस। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके जो जीवन है इसमें कुछ ऐसी चीज होगी जो अनएक्सपेक्टेड होगी। मुझे लग रहा है आप काफी टाइम से प्रे कर रहे हो कि आपको ये मिले वो मिले, कुछ ना कुछ चीजों के लिए आप कॉन्स्टेंटली चाहे भोलेनाथ को, भगवान को, एंजल्स को प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे ये मिल जाए मिल जाए मिल जाए, बट आपको वो नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं महादेव बोल रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं कि तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड वे में, जैसे तुमने तुमने जैसा सोच रखा है वैसे नहीं मिलेगा। और अगर वो तुम्हें ऑलरेडी नहीं मिला है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर यहाँ पर चीज है। यू नो, लाइफ इज ऑल अबाउट मिस्ट्री। आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ो, आप जिस चीज के लिए डर रहे हो कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, ठीक है ना। तो महादेव बोल रहे हैं आप उसको फेस करो, आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड मिलेगा, यू नो, जिस जो ज्यादा ब्यूटीफुल होगा, जो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जो भी हो रहा है वो आपको एक पॉजिटिव वे की तरफ लेके जा रहे हैं और आप जो चाहते हो वो मिलेगा, लेकिन आपके प्लान के हिसाब से नहीं, उनके प्लान के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर है कि यू आर ब्लेस्ड विथ माजेस्टी, विजन एंड पावर। आप ब्लेस्ड हो, आपके पास विजन है, आपके पास पावर है। इसका मतलब ये है कि आप काफी स्ट्रांग माइंडेड पर्सन हो, स्ट्रांग हेडेड पर्सन हो, आप हर चीज को काफी अच्छे से हैंडल करते हो। एंड मुझे लगता है कि आपको वो चीज दिखाई देता है जो लोगों को नॉर्मली दिखाई नहीं देता, और आप ब्लेस्ड हो उस मामले में। लोग बहुत कुछ चीजें जान नहीं पाते हैं, सच नहीं जान पाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जान नहीं पाते हैं, बट आपको जो चीजें हैं काफी वो पता चल जाता है इजीली, यू नो। तो आपको यहाँ पर ऐसा है कि आप अगर कोई रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो, ऑलरेडी ले लिया है, या फिर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपने पावर को यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। अगर कुछ हो चुका है तो आपको कुछ लेसन मिला है, उस लेसन को लेकर लाइफ में आगे बढ़ो। और अगर आप कहीं पर अटक गए हो तो अपना दिमाग लगाओ, अपने इंट्यूशन का यूज करो, ठीक है ना। आपका इंट्यूशन आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर है चॉइसेस। यहाँ पर है कि आप जो सोच रहे हो करने के लिए, अगर वो उस तरीके से नहीं हो रहा है, अपना पाथ चेंज करो, ठीक है। चेंज योर पाथ, आप कुछ भी ऐसी चीज कर रही हो जिससे आपको सक्सेस नहीं मिलता, पाथ चेंज करो। या फिर आप जो मांग रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है तो आपके लिए कुछ और है, ठीक है ना। आपके पास काफी सारी चॉइसेस है, आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आप एक ही चीज के ऊपर अटक गए हो। तो आप चॉइसेस को एक्सप्लोर करो, ऑटोमेटिकली आपको जो है चीजों का सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि आप अगर 10 चीज देखोगे, उस 10 चीज में जो आप देख रहे हो ना, उसको कोई हेल्प करने वाला चीज आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको महादेव इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, आपके लिए हेल्प रखा है, सिर्फ आपको जरूरत है देखने की कि आप चीजों को कैसे देखोगे, ठीक है, कैसे आप समझोगे। हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे हो काफी चीजों को, तो समझने की कोशिश करो आपकी लाइफ में इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, आपका सिचुएशन क्या है, आप ये सब ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना। आप थोड़ा ज्यादा अटेंटिव रहो हर चीज को लेकर। चलिए अब हम तारों से देखते हैं। एंजल्स प्लीज मुझे बताएं, महादेव ब्लेसिंग्स दीजिए हमें, कि ब्लेसिंग्स दीजिए आपकी तरफ से, क्या मैसेजेस है प्लीज हमें बताएं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी राशि हो सकती है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई हो सकता है, काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। टू ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्ट्रॉन्गली लग रहा है लव लव रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो, स्ट्रॉन्गली लग रहा है। और करियर का देखते हैं क्या आता है।
बिगिनिंग. ओके ब्यूटीफुल. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी, अगर देखा जाए तो लव रिलेशनशिप को लेकर आप अगर परेशान हो, कोई बंदा आपसे बात नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, शादी नहीं कर पा रहे हो, पार्टनर से शादी की कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, रीयूनियन नहीं हो रहा है, काफी सारी चीजें, काफी सारी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हो, तो यहाँ पर मैसेज है. लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं आपको बहुत जल्दी जो है चीजें पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा. ठीक है, आप एक तो अगर शादी नहीं हो रही है तो काफी जल्दी आपकी शादी हो जाएगी. दूसरी यहाँ पर है, अगर आप स्पेशली रियूनियन के लिए चीजें ढूंढ रहे हो तो आपको देखो अपने पार्टनर के साथ रियूनियन होगा, ब्लेसिंग्स के साथ होगा. एंड यहाँ पर आपको उसके लिए कुछ बात करना पड़ेगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आप दोनों के बीच में उसको क्लियर करना पड़ेगा. उसके साथ ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप सोलमेट से मिल सकते हो बहुत ही जल्दी, विद इन 2 मंथ टू 6 मंथ आप अपने सोलमेट से मिलोगे, या फिर अगर ऑलरेडी मिल चुके हो, दूर हो गए हो, तो रिकन्सिलेशन का वक्त है. ठीक है ना, अगर मैरिड हो, लाइफ अच्छी चल रही है, तो यहाँ पर एक क्लियर मैसेज है आपका, ये जो अच्छा लाइफ है वो अच्छा ही चलने वाला है. एक पार्टनर से एक सिंपथी मिलेगी लाइफ में, एक हार्मनी, एक हैप्पी रिलेशनशिप आपका बनेगा. आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें अगर आज सही नहीं है, आपकी लाइफ में आने वाले दिनों में सही हो जाएगी डेफिनेटली. तो आपको सिर्फ भरोसा रख के लाइफ में आगे बढ़नी है. इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी एंड परफेक्ट टाइमिंग. आपको परफेक्ट टाइमिंग पर परफेक्ट चीजें आपकी लाइफ में, आपको जो भी चाहिए वो परफेक्ट तरीके से मिल जाएगी. ठीक है, अगर मैं आपकी हाँ एक और चीज देख लेती हूँ कि मुझे आपके करियर में देख लेती हूँ. पहले करियर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कोई भी स्पेसिफिक जॉब के लिए वेट कर रहे हो, प्रमोशन के लिए, या फिर मनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है. तो आपको मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि न्यू स्टार्ट करियर में होने वाला है, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी. एंड आपकी जो एक लाइफ है ना, वो एक लग्जरी लाइफ कहलाएगी. आपकी लाइफ एक लग्जरी लाइफ होगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप अबंडेंट दिख रहे हो. आपने काफी ज्यादा मेहनत कर लिया है, अभी आपको फ्रूट्स मिलेंगे. ठीक है ना, आप एक खास करके आप एक स्ट्रांग इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह मुझे दिख रहे हो. करियर पैसा आपके लिए अच्छा है आने वाले दिनों में. ठीक है, आपका जो ग्रोथ है ना, वो बहुत स्टेबल होगा. एक चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपकी फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है. यहाँ पर प्रोग्रेस मुझे दिख रहा है विद द हेल्प ऑफ डिवाइन, विद द हेल्प ऑफ भोलेनाथ. आपके लाइफ में आपकी जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट होगा. यहाँ पर ऐसा है कि बहुत ही जल्दी आपको कोई भी एक एक सरप्राइज मिल सकती है, यूनिवर्स की तरफ से, या फिर आपकी जीवन में आपको कोई सरप्राइज मिल सकती है. आपको सिर्फ फेथ रखना होगा और वो चीज आपको मिलेगी. फेथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लोग नहीं रख पाते हैं. सो फेथ आप रखो, कुछ भी कर रहे हो फेथ के साथ करो, वो अच्छा होगा. नेगेटिव पॉइंट्स अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है आप बहुत जल्दी लोगों के ऊपर भरोसा करते हो, आप ओवर सेंसिटिव पर्सन हो, हर इंसान के साथ एक क्लोज बॉन्ड शेयर करते हो, तो उसमें थोड़ा सा आपको वो देखना है. ठीक है, क्लोज बॉन्ड आपको सबके साथ शेयर नहीं करना है. ठीक है ना, और आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, उसको एक्सेप्ट करने के लिए डरो मत. आप जैसा चाहते हो अगर वैसा नहीं हो रहा है, कुछ दूसरी तरीके की चीज आ रहा है आपके सामने, इसका मतलब ये है कि आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना है और उसमें आपके लिए कुछ फायदा होगा. ठीक है ना, तो ये बात है. अब मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस देखूंगी. आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए और क्या मैसेजेस है, और क्या मैसेजेस है आपके लिए यहां पर. स्ट्रेंथ, ठीक है, आपके लिए ऐसा है कि आपको बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है, या फिर आप में इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है. आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पा रहे हो, आप कितने स्ट्रांग हो, आप हर चीज से दुख भरी जिंदगी आपकी चलती रहती है, क्योंकि आपको पता नहीं है आपकी खुद की पावर और स्ट्रेंथ कितनी है. ठीक है ना, आप हर सिचुएशन में एडजस्ट कर सकते हो और आप कर भी रहे हो. तो खुद की स्ट्रेंथ को पहचानो और कुछ चीजों में करेज दिखाओ. आपको डर लग रहा है कुछ चीज करने के लिए, करो, चीजें ज्यादा बेहतर होगी. ठीक है, यहां पर है एसेंस. यहां पर बोला जा रहा है कि आप में कुछ यूनिक एंड इम्पोर्टेंट क्वालिटी है.
ठीक है, जो आपको दूसरों से अलग करता है हर एक चीज में। हो सकता है आप अपनी इस क्वालिटी को अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया, समझ नहीं पा रहे हैं, तो जहां पर आप फेल हो रहे हो वहां पर समझो कि मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ या फिर क्या कर सकती हूँ जिससे मुझे सक्सेस मिल सकता है या फिर मेरा ये काम हो सकता है। तो एक्स्ट्रा के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट और एक कार्ड लेते हैं, एक्शन। यस, देखो मैंने बोला था कि आपको एक्शन लेना है कुछ चीजों के लिए, आपको एक्शन जरूर लेना है। सोचो आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो और करेज के साथ एक्शन लो। सक्सेसफुल आप उसी चीज में होगे जिस चीज में आप नहीं हो पा रहे हो। दूसरा किसी का अगर वेट कर रहे हो आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, बहुत जल्दी वो एक्शन लेंगे। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पर, बाय गाइस।